हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्लाह, मैं अब भी उस फकीर के दर का गुलाम हूँ, मैं भी उस फकीर के दर का गुलाम हूँ जिसकी एक नजर ने मुकद्दर बदल दिया। मैं भी उस फकीर के दर का गुलाम हूँ जिसकी एक नजर ने मुकद्दर बदल दिया। और कतरा मेरा वजूद था दुनिया में यूं मगर ख्वाजा की एक निगाह ने समंदर बना दिया। कतरा मेरा वजूद था दुनिया में यूं मगर ख्वाजा की एक नजर ने समंदर बना दिया। बरादर मिल्लत इस्लाम के शायर सुन्नत आली जनाब कारी कोशी साहब की किताब जो अपनी बेहतरीन अंदाज में नातों में खुद पढ़ रहे थे। बरादर मिल्लत इस्लाम, आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आप उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत से आए हैं और हम खुद उलमाए किराम की दुआओं का तालिब। और ये कहते हैं कि जिस तरीके से आपके मदरसे में तलबा होंगे, बच्चे होंगे पढ़ने वाले, बस उसी तरीके से हम भी हैं हुजूर, आप मुझ पे कर्म करिए, बस दुआओं से नवाजते रहिए, बस कर्म करिए। अब एक शेर सुने कि कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, रात भर मेरे सरकार से बातें की है, कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, रात भर कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, रात भर सैयदे अबरार से बातें की है। और बख्श दूंगा मेरे महबूब तेरी उम्मत को, बख्श दूंगा मेरे महबूब तेरी उम्मत को, बख्श दूंगा मेरे महबूब तेरी उम्मत को, रब ने मेराज में सरकार से बातें की है, बख्श दूंगा मेरे महबूब तेरी उम्मत को, रब ने मेराज में सरकार से बातें की है। और सिर्फ जिन इंसान पे ही मौकूफ नहीं उनकी अता, सिर्फ इंसान पे ही मौकूफ नहीं उनकी अता, बेजबानों ने भी सरकार से बातें की है, बेजबानों ने भी सरकार से बातें की है। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ आली जनाब कारी रिजवान साहब की तरफ से जो माइक पर आए और अपने बेहतरीन अंदाज में नातिया शायरी हम समाइन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। उनके आने से पहले मैं चंद मिनट कहूंगा कि अजमत दीने मुसलमान अभी बाकी है, जिंदा इस्लाम है, कुरान अभी बाकी है, हाथ में हैदरी शमशीर संभालो जिद्दे, करबला आखिरी मैदान अभी बाकी है। कि कौन रोता है आका किसी के लिए, कि कौन रोता है आका किसी के लिए, कौन रोता है आका किसी के लिए, कौन रोता है आका किसी के लिए, कि कौन रोता है आप रोते रहे उम्मती के लिए, आप रोते रहे उम्मती के लिए। और माए कराम अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, मैं हाजिर करता हूँ मुलादा फरमाए। देखिए कारी साहब सुनिए, कि कौन रोता है, आप रोते रहे उम्मती के लिए। और एक बहुत अच्छा शेर और माई ग्राम की दुआ लेता हुआ, कारी साहब की दुआ लेता हुआ, कारी खुर्शीद साहब की दुआ लेता हुआ हाजिर करता हूँ करबला शरीफ के हवाले से हजरत अली असगर के हवाले से। एक बात दोनों हम लोग कहते सुभान अल्लाह, कि आप रोते रहे उम्मती के लिए,
कि कौन कहता है प्यासे थे इब्ने अली। अब तो कह दो सुभान अल्लाह। कि कौन कहता है प्यासे थे इब्ने अली, कौन कहता है प्यासे थे इब्ने अली, कि कौन कहता है प्यासा पानी था असगर अली को। नारे तकबीर, प्यासा पानी था असगर अली के लिए, प्यासा पानी था असगर अली के लिए। कितना अच्छा शेर है। उलमाए किराम अपनी दुआओं से नमाज रहे हैं और आप कम से कम कह दें सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। कि कौन कहता है प्यासे थे इब्ने अली, कौन कहता है प्यासे थे इब्ने अली, प्यासा पानी प्यासा पानी था असगर अली के लिए, प्यासा पानी था असगर अली के लिए। और एक बहुत अच्छा शेर हाजिर करता हूँ, कारी खुर्शीद साहब की दुआएं चाहता हूँ, तमाम तर उलमाए किराम की दुआएं लेता हूँ, हाजिर करता हूँ। मुलादा फरमाए कि ज़ेर खंजर वो करबल के मैदान में। बुलंद आवाज से कह दें या हुसैन या हुसैन। कि ज़ेर खंजर वो करबल के मैदान में, ज़ेर खंजर वो करबल के मैदान में, कि ज़ेर खंजर सर झुका था फकत बंदगी के लिए, सर झुका था फकत बंदगी के लिए, सर झुका था फकत बंदगी के लिए। दुर्द पाक अल्लाह रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक का एक बहुत खूबसूरत मतला हाजिर करता हूँ, उलमाए किराम की दुआ लेता हुआ हाजिर करता हूँ। लादा फरमाए बड़ा खूबसूरत मतला है, अल्लाह करे आपके दिल में उतर जाए, आप समझ जाए कितना खूबसूरत मतला है। मुलादा फरमाए कि तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। कि तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। कि तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। और एक बहुत अच्छा शेर हाजिर करता हूँ, मुलादा फरमाए कि जहां से मौला अली ने मांगा, सुभान अल्लाह, जहां से मौला अली ने मांगा,
سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا کہ جہاں سے مولا انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے وقت کی لدہ منگیر ہے شیر آخر حاضر کرتا ہوں مولانا فرمائیں علماء کرام کی دعا لیتا ہوا بڑا خوبصورت شعر ہے اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے حاضر کرتا ہوں مولانا فرمائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کا سلیقہ کیا ہے طریقہ کیا ہے کس طریقے سے مانگنا چاہیے میں شعر کے ذریعے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں مولانا فرمائیں ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ کہ رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے کہ رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے درود لب پہ سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے السلام علیکم